इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान, बातचीत शुरू हो गई है। और वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले उनकी है कि टॉकिंग टू द तालिबान, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है वो इन ह्यूज शिफ्ट, ठीक है, इन ह्यूज शिफ्ट इंडिया ओपन चैनल्स विद अफगान तालिबान फैक्शंस एंड लीडर्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, तालिबान में वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्ला ब्रादर जो है उनके साथ ताल्लुकात हुए, और उनके साथ, उन तालिबान के साथ हुए जो कि पाकिस्तान और ईरान के जेर असर नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसे ही एक मतलब असल में इनको अमेरिकन ने कहा है कि आप बातचीत शुरू करें, और बातचीत चल रही है। और देखिए, अगर वहां पे इस्तंबुल में समिट होती तो इस्तंबुल की समिट में क्या इंडियंस नहीं बैठे होते तालिबान के साथ? बैठे होते। तो अब यानी आप तसव्वुर करें कि मुल्ला ब्रादर तालिबान, बंदा कौन बैठे? अजीत दोवल। कौन तालिबान? जो जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था, उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। और इसको खबर कैसे, आप खबर का सिर्फ अगर बातचीत नहीं हो रही, आप ये जी बातचीत नहीं हो रही, नहीं मैं जो बात कह रहा हूं बराए करूं, मैं कह रहा हूं कि बातचीत इनकी, इनके कॉन्टैक्ट शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तालिबान से, तालिबान के कॉन्टैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, कतर में भी हुई हैं और किन दूसरे शहरों में भी हुई हैं, और अमेरिकन्स नहीं इनके चैनल्स ओपन करवाए थे। जाहिर है कि जलमे खलीजाद जब नई दिल्ली जा रहे थे और बाकी जगह, और अच्छा है कि ऑन बोर्ड इंडिया आ गया, लेकिन उसके साथ ही जो वॉयलेंस है अफगानिस्तान में वो खत्म नहीं हुआ। ठीक, वहां पर आज सुबह बगलाम के अंदर जनाब 10 लोग जो कि एक एनजीओ से वाबस्ता थे और वहां पर जो बारूदी सुरंगें हैं उसकी सफाई कर रहे थे, तो आके एक ग्रुप आया वहां पे, खुदा जाने कौन सा ग्रुप था, और उसने आके गोलियां चलाई और 10 उस एनजीओ के लोग मार दिए। एक सहाफी की डेथ हो गई लोगर के अंदर। तो वहां पर वायलेंस बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी 50% जो है हमने यहां से फौजी अपनी निकाल ली है, उनका जो मीडिया है वो ये खबर दे रहा है। लेकिन अब इशू यह है सारा कि इसमें अफगानिस्तान के अंदर अब नेटो निकल गया अमरीका से पूछे बगैर। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और आइडिया सामने आ गया है, और वो है ब्लू डॉट नेटवर्क। अच्छा, ब्लू डॉट नेटवर्क। अभी ब्लू डॉट नेटवर्क क्या चीज है? ब्लू डॉट नेटवर्क ये है कि अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल, जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसके मद्दे मुकाबिल दुनिया में एक ब्लू डॉट नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसमें अमेरिका के, जिसका 94 ट्रिलियन डॉलर्स जिसका बजट है, और उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और इसके ऊपर कुछ अर से पहले मेरा ख्याल है CSIS की रिपोर्ट थी, और कोई रिपोर्ट अगर हमारे पास पड़ी हो, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है हमारे पास, उनकी है ये CSIS की रिपोर्ट थी, कनेक्टिंग द ब्लू डॉट्स। अच्छा, और फिर उसके बाद US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की भी है कि ब्लू डॉट नेटवर्क। व्हाट इज ब्लू डॉट नेटवर्क? अब ब्लू डॉट नेटवर्क ये है, तो रुके जरा इधर ही एक मिनट जरा प्लीज इसको जी। ब्लू डॉट नेटवर्क, व्हाट इज ब्लू डॉट नेटवर्क? ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो ये है, थोड़ा सा इसको मैं इसके ऊपर की लाइन पढ़ना चाह रहा था ब्लू डॉट नेटवर्क की जी, कि वो नेटवर्क ये कहता है कि गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को, और दुनिया भर का प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, सबको इकट्ठा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में बनाया जाए, ग्लोबल इंट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स पे, और उसकी सर्टिफिकेशन हो ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से, और वो पूरी दुनिया में मार्केट ड्रिवन ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएगा। किसके मुकाबले पे? बेल्ट एंड रोड, ठीक है, ब्लू। अच्छा, ब्लू नाम पे फड्डा खड़ा हो गया कि ब्लू जो है इसका मतलब समंदर में होगा, क्योंकि उनका रेड है तो क्या उनका जमीन, लेकिन ये अभी तक इस प्रोजेक्ट को जितना CSIS उनका जो बड़ा थिंक टैंक है या बाकी लोग हैं उनसे मेरी बात, मैंने कहा ब्लू डॉट नेटवर्क पे आपकी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? मतलब 94 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है।
तो वहां 2019 में आसियान की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां पे ट्रंप दौर में ऐलान हो गया था कि BRI के मुतबादल एक दुनिया भर में, और ये तमाम हुकूमतें जी। कमाल की बात ये है कि चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हम भी ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा ना सारी दुनिया आ सकती, चाइना ने कहा हम भी आएंगे। सही, ठीक है, हम भी अपने दो चार इसमें वो डाल देंगे जाके, क्या कहते हैं अपने चने बीच में। अब इशू ये है कि क्या ब्लू डॉट। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपको बता दें, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान को लेकर एक खासा इंटरेस्ट रहता है। अफ़गानिस्तान की बर्बादी का भी जो अगर सारा शेर दिया जाए तो वो पाकिस्तान को ही दिया जाएगा। तो गाइज़ आपको पता होगा अफ़गानिस्तान से अमेरिका बहुत जल्द निकलने वाला है, और अमेरिका के निकलते ही आपको भी पता है कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आनी है वो आनी है तालिबान की। तो तालिबान से जब अमेरिका बात कर रहा है, अमेरिका डिस्कस कर रहा है उनसे, तो भारत को डिस्कस करने में क्या दिक्कत है। यही बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया एक मतलब अजीब सा चेहरा बना रहा है। आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो भी पत्रकार हैं वो तालिबान से अगर भारत बात करता है तो इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस आपको बता दें, तालिबान को बैक से फुल सपोर्ट रहता है पाकिस्तान का, और तालिबान अगर इंडिया से बात करने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारे लिए फ्यूचर में अफ़गानिस्तान में जो हमारी चीज़ें चल रही हैं वो कंटिन्यू चल सकती हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली तालिबान से बात करनी पड़ेगी, अगर आप फ्यूचर में अफ़गानिस्तान में अपना स्पेस बनाए रखना चाहते हैं तो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। और गाइज़ ऐसा भी हो रहा है, जो अभी अशरफ गनी की जो हुकूमत है उसके बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर तालिबान के साथ समझौते कर रहे हैं और उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर ये बात तो तय है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में फिर से आ जाएगा, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि बहुत सारे सपोर्टर अशरफ गनी के भी हैं और बहुत सारे सपोर्टर्स जो ज़्यादातर तालिबान के हैं। दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि शांति से मैटर लिपट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को एक अलग टाइप का कीड़ा है। पाकिस्तान भारत अगर तालिबान से बात करे तो ये लोग कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं, भारत अगर ना करे तो भारत की कोई मतलब जगह नहीं है। तो डेफिनेटली हमें ऐसा कुछ गेम खेलना पड़ेगा जो अजीत डोभाल खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तालिबान को एंगेज करने की, तालिबान से बनाने की। हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली अफ़गानिस्तान में रहना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज अब देखते आने वाले समय में सिचुएशन बनती गया है। हालांकि इस जो पत्रकार को आप सुन रहे हैं ये बड़ा ही कंफ्यूज्ड बंदा है, ये ऐसी चीज़ें करता है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो टाइप का बंदा है ये। मतलब शायद ये एकदम से बात करने लगे टमाटर के भाव आज इतने हैं और कल इतने थे, लेकिन वो न्यूक्लियर बम जो अमेरिका बना रहा है उस पर हमें क्या कहना है, इस तरीके की बातें करता है। तो इसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहा है क्या कर रहा है, तो इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ आपको क्या व्यू है कॉमेंट बॉक्स में लिखें, भारत की जो तालिबान से बात हो रही है उससे आप सहमत हैं या नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है वो बहुत दिन तक अफ़गानिस्तान में नहीं रह पाएगी। तालिबान ऑलरेडी बहुत सारे मतलब आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में अभी अपनी हुकूमत कर रहा है। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।